हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है मेरे चैनल पर। तो आज हम आपके लिए लाए हैं करेले की सब्जी। तो इसे सब अपने अपने तरीके से बनाते हैं, उसकी बहुत सारी रेसिपीज़ हैं, तो जिसको हम एक आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। यहाँ पर देख रहे हैं, हमने इस तरह से हरे करेले लिए, उसको सुखा के हमने मतलब धूप में सुखा लिया। वो सुबह से शाम तक इतनी गर्मी है, सूख जाते हैं। वो सन ड्राई करने के बाद में हमने इसको बॉईल कर लिया है, और बॉईल करने के लिए आप इसको अच्छे से पानी में डाल देंगे। थोड़ा सा नमक डाल के आपको रखना है। इससे क्या होता है कि इसकी कड़वाहट निकल जाती है, और इसके बेनिफिट्स मैंने आपको यहाँ पे नोट्स में दिए हैं, तो इसके बेनिफिट्स ज़रूर आप पढ़िए। और यहाँ पर हम इसको कवर करके कुछ देर के लिए पकाएंगे। फिर इसके बाद क्या करना है वो मैं आपको बताती हूँ। तब तक के लिए हम करीबन आपके 500 से 700 ग्राम तक के प्याज आप ले लेंगे, मीडियम साइज़ ले लें। उनको इस तरह से चॉप करें जैसे हमने किया। बस मैंने इसका पानी निकाल दिया, जितना भी था हमारे करेलों में पानी वो हमने निकाल दिया। उसके बाद से ये ऐसे हो गया। अच्छा, इसके सीड्स निकाल दें। कुछ लोग सीड्स पसंद करते हैं, आप चाहें तो निकाल भी सकते हैं, आप चाहें तो इसको रहने भी दे सकते हैं। कुछ लोग सीड्स की भी सब्ज़ी बनाते हैं, तो वो कड़वी ज़्यादा लगती है, इसीलिए आप क्यों क्या कर सकते हैं कि आप इस तरह से बना लें। तो हमने इसका देखिए, हम यहाँ पे पानी निकाल देते हैं, जो और इसमें रह जाता है ना उसको हम स्क्वीज आउट करेंगे। तो इस तरह से हम निचोड़ देंगे इसको, और इसका पानी जो इसका कलर छूटेगा ना, आप देखेंगे लास्ट में कितना गहरा कलर आएगा इससे, क्योंकि इसमें अच्छा इस तरह से बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स निकल जाते हैं। तो आप अगर कड़वाहट आपको ज़्यादा ही लगती है तब आप इस तरह से करें तो ठीक है, पर आप ट्राई करें कि इतना कड़वा खा पाएँ। बट जो रेसिपी हम बना रहे हैं उससे कड़वाहट आपके बहुत हद तक नहीं रहती है, अगर आप बिना पानी को निचोड़े बनाते हैं तब भी। तो यहाँ पर आपको करना क्या है कि हमने तो निचोड़ दिया है, तो आप चाहे तो नहीं निचोड़ सकते। ऑप्शंस मैंने आपको दोनों रखे हुए हैं। यहाँ पे मैंने लिया है सौंफ, और इसके साथ ही हमने लिया है सूखा धनिया। इन दोनों को हमने सोक कर लिया था करीबन 1 से 2 घंटा। तो ये अराउंड मैंने 1 से 1.5 कप लिया है दोनों मिक्स करके, थोड़ी देर बाद फूल के अच्छा हो जाएगा। तब तक हम इसको पीस लेते हैं। हम कढ़ाई में ऑयल को हीट करने के लिए छोड़ देते हैं। मैं इस तरह से कढ़ाई को अच्छे से ऑयल से इसका चला देती हूँ, ताकि आपकी कढ़ाई में जो है चिकनाहट बनी रहे। मस्टर्ड ऑयल है, थोड़ा सा इसमें धास आने तक का वेट करते हैं। तो इसके बाद क्या करते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, इतनी देर में आपको मैंने जो बताया कि आप थोड़ी सी ग्रीन चिलीज काट करके रख लें, चॉप करके रख लें, और इसी बीच में आप ग्राइंड कर लें इस मसाले को। यहाँ पे हमने डाली थोड़ी सी राई, थोड़ी सी मेथी सीड्स, और इसके साथ में हमने प्याज को भूनने के लिए यहाँ पर डाल दिया। तो प्याज जो अच्छे से आपकी जब प्याज का कलर आ जाएगा ना, क्रिस्पी कर सकते हैं, आपकी चॉइस है। क्रिस्प करना है आपको प्याज को, क्रिस्प कर ले, अदरवाइज में सिर्फ कलर आने तक का ही वेट करते हैं। जैसे भिंडी तो प्याज़ा बनती है ना बहुत सारी प्याज के साथ, उसी तरीके से ये मसाला करेला बनता है, और ये बहुत टेस्टी लगता है। आप अच्छा इसको 1 वीक के लिए स्टोर भी कर सकते हैं, ये ख़राब नहीं होता है। मैंने ऐसी 2-3 रेसिपीज़ आपके साथ और शेयर कर रखी है जिसे आप स्टोर कर सकते हो, जैसे कि आपकी आमिया की सब्ज़ी, कच्चे आम की सब्ज़ी, उस तरह से भी आप उसको स्टोर कर सकते हैं। ग्रीन चिलीज़ मैंने ऐड कर दी है, और इसमें अभी कोई और मसाला नहीं डालेंगे। जब आप दूसरी स्टेज पे जाएंगे तब हम वहाँ पे आपको इसको बताएंगे। और आप जो है इसको घर में नॉर्मल कढ़ाई में ही बनाएं, मतलब जो लोहे की, उसका और टेस्ट बेटर आता है। यहाँ पर हमें इसी के साथ क्या करती हूँ, जो मेरी प्याज भुन रही होती है ना, तो मैं हल्दी, मिर्च, धनिया पाउडर वगैरह सब कुछ इसी में डाल देती हूँ। बट इसमें धनिया पाउडर डालने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। वो क्यों? क्योंकि हमने धनिया को सोख करके रखा है ज़्यादा अमाउंट में, और उसके साथ ही हमने लिए सौंफ, जो लगभग मिक्स करके मैंने 1.5 कप लिया था। उसको सोख करने के बाद वो अच्छे अमाउंट में फूल गया है। करीबन 1 घंटा आपको उसको सोख करना है। यहाँ पे सिर्फ मैंने डाली हल्दी और मिर्ची। आप अगर हरी चिल्ली मतलब ग्रीन चिल्ली ज़्यादा डाल रहे हैं, तो फिर आप जो भी चिल्ली यूज़ करते हैं, रेड या येलो, वो आप कम डालेंगे। तो ये थोड़े चटपटे अच्छे लगते हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। ये जैसे अचार होता है ना, बिल्कुल अचार वाला टेस्ट आता है इसमें। आप चाहें तो थोड़ी सी कलौंजी और ऐड कर सकते हैं इसमें। यहाँ पे हींग डाल देते हैं, तड़के के टाइम पे भी हींग डाल सकते हैं, बट मुझे लगता है तड़के के टाइम पे हींग अगर थोड़ा सा भी इधर उधर हो गया ना टाइम, तो हमारी जो हींग है वो जल जाती है और फ्लेवर नहीं आ पाता, इसीलिए मैं हींग डालती हूँ बाद में। तो यहाँ पर हमारी हींग और प्याज, ये सारे मसाले हमारे ऑलमोस्ट भून चुके हैं। उसको चलाते रहेंगे, कढ़ाई से हमें पता लग जाता है, थोड़ा सा भी नीचे चिपकने लगता है, तो ऑलमोस्ट हमारा मसाला जो है रेडी हो जाता है।
यहाँ पे देखिए मैंने इसको ग्राइंड कर लिया था, उसमें ग्राइंड नहीं हो पाए थे इसलिए मैंने नॉर्मल जो हमारा घर पे ग्राइंडर होता है हमने इसको यूज़ किया है यहाँ पे, तो अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। अच्छा इसको ज़्यादा बारीक नहीं पीसना है आपको, दरदरा पीसना है, जैसे अचार में दरदरा मसाला पड़ता है ना थोड़ा कोरस, तो वैसे ही इसको यहाँ पे कोरस पीसना है। तो ये जो है आप इसको पानी मिला के अच्छे से पकने के लिए छोड़ दें। इसमें सॉल्ट आपको ऐड करना है, सॉल्ट से मसाले जल्दी से आपके पकेंगे और फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। अच्छा ये जब बना रहे होते हैं इसकी खुशबू बहुत स्ट्रांग होती है, बहुत दूर तक जाती है, क्योंकि बेसिकली अचार ही तो जितना मसाला अचार में पड़ता है यहाँ पर भी पड़ता है, और इसको भी आप स्टोर करके बहुत दिन के लिए खा सकते हो। बहुत अगर किसी को घर में डाइजेशन का इशू रहता है ना, मतलब कॉन्स्टिपेशन का इशू रहता है, तो इसे खा के तो ऑब्वियसली वो रिलीव हो जाएगा, बट हाँ जिसको स्टमक अपसेट हो जाता है ज़्यादा फाइबर इनटेक से तो वो इसको बहुत कम अमाउंट में ले, और जिनको अगर कोई मेजर हेल्थ प्रॉब्लम है स्टमक रिलेटेड तो वो इसको अवॉइड ही करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपका इसमें मसाला और फाइबर है तो उनके लिए तो ये हार्मफुल रहेगा। डायबिटीज़ वाले लोगों के लिए बिल्कुल सेफ़ रेसिपी है, वो इन्जॉय करें, वेट लॉस वालों के लिए भी सेफ़ है, कोलेस्ट्रॉल वालों के लिए भी सेफ़ है, तो ये रेसिपी सबके लिए सेफ़ है एक्सेप्ट जिसको डाइजेशन वाले इश्यूज़ हैं। तो यहाँ पर हम इसको यहाँ पे करेले जो हमने निचोड़ के रखे थे उसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप सोच रहे होंगे करेले तो बॉइल्ड ऑलमोस्ट रेडी है रेसिपी, नहीं बिल्कुल नहीं ऐसा नहीं है, अभी करेलों को और पकना बाकी है। तो यहाँ पर हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है, अब मिक्स करेंगे थोड़ी देर अच्छे से चलाते रहेंगे। अच्छा तब तक क्या करेंगे, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया ना तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करके आइए, फिर बाकी की रेसिपी देखिएगा। तो आप यहाँ पे अपने जो भी आपको इंग्रेडिएंट्स रह गए डालने से, जैसे कि आप चाहे तो थोड़ा सा गरम मसाला डाल सकते हैं। यहाँ पे हमने डाल दिया है नमक, क्योंकि नमक हमने अभी कम ही ऐड किया था यहाँ पे। अच्छा जो बॉईल करते टाइम नमक हम डालते हैं वो निचोड़ के निकल जाता है, इसलिए नमक इसमें दोबारा से अच्छी क्वान्टिटी में आपको ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पर इसको आप पानी डाल के चला देंगे, पानी जो है करीबन आपको ये 1 किलो मैंने आपके करेले लिए थे सोक करने के बाद में ये इतने हो गए, और हमने करीबन 700 ग्राम प्याज यहाँ पे लिए हैं। मसाला मैंने आपको बता दिया है 1 से 1.5 कप के करीब लिया है, तो नमक भी आपको उसके अकॉर्डिंग ऐड करना है, और पानी मैंने करीबन 1.5 गिलास लिया है यहाँ पे। और आप थोड़ा सा आपको लगता है कम भी कर सकते हैं, बट आपको बहुत चेक करना पड़ेगा बार बार, क्योंकि लग बहुत जल्दी जाती है अगर आप आयरन की कढ़ाई में नहीं बना रहे हैं तब भी। नॉन स्टिक में मैं एडवाइस नहीं करूँगी, वैसे भी नॉन स्टिक में बहुत हाई टेम्परेचर पर बहुत देर के लिए सेफ़ नहीं रहता कुछ भी, तो नॉन स्टिक डेली यूज़ में तो आपको बिल्कुल नहीं लेना। अब इसको पकने के लिए ढक के छोड़ दूँगी मैं, ये ऑलमोस्ट देखिए अब इसका पानी बिल्कुल मॉइस्चर निकल चुका है, तो इस तरह से इसका कलर भी चेंज हो गया काफ़ी, और ये ऑलमोस्ट रेडी है। आप चाहे ना एक काम और कर सकते हैं, इसमें जो कच्ची आम भी आती है ना तो कुछ लोग उसकी खटाई बना के रख लेते हैं, तो वो आप इसमें डाल सकते हैं, या फिर अमचूर पाउडर थोड़ा सा डाल सकते हैं अगर आपको खट्टा पसंद है तो। अदरवाइज़ ये रेसिपी रेडी है, आप इसको पराठे पूड़ी के साथ इन्जॉय कर सकते हैं, और स्टोर करके कभी भी किसी भी रेसिपी के साथ अचार के रिप्लेसमेंट में आप खा सकते हैं। ये रेसिपी बहुत अच्छी लगती है, बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें बताइएगा आपको हमारी रेसिपी कैसी लगती है। सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया ना तो देर किस बात की, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और नई मज़ेदार रेसिपी के साथ, जो बहुत अच्छी रेसिपीज आने वाली है स्नैक्स की और बच्चों की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।